ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि सिवान पुलिस को मिली है इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। विगत माह फरवरी में 4 संपत्ति मूलक घटनाएं हुई थी और चारों बेहद संवेदनशील घटनाएं थी क्योंकि CSP संचालकों के साथ ये घटनाएं हुई थी और एक रूटीन एक प्रोफेशनल गिरोह इसमें इन्वॉल्व था जो कि हमारी शुरू के भी कयास ऐसे लग रहे थे और इसी क्रम में जो है आज ये 24 घंटे की ये उपलब्धि है कि 4 अभियुक्त जो इसमें इन्वॉल्व थे ये गिरोह के रूप में कार्य करते थे और लूट डकैती एवं अवैध हथियारों की तस्करी ये इनका मूल कार्य है और ये लोग जो है पकड़े गए। उसके बाद इन लोग पास से जो है कल 11 बजे संध्या करीब 11 तारीख को संध्या करीब 5 बजे GB नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शाहगंज स्थित पंचमुहा पुल के पास से 3 मोटरसाइकिल के साथ 4 अपराधकर्मी जो आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किए गए। इस संबंध में GB नगर थाना कांड संख्या 104/24 दिनांक 11/3/2024 दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम हैं पृथ्वी कुमार, रितेश सिंह, करण कुमार और सुमित कुमार। बरामदगी जो इनके पास से हुई है 4 देसी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल जो कि घटनाओं में प्रयुक्त हुए हैं, मोबाइल फ़ोन 7, स्मैक की पुड़िया, ड्रग्स की पुड़िया 44 और लूटा हुआ बैग, मोटरसाइकिल की चाबी और ID कार्ड, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये इन घटनाओं में लूटे हुए सामान इन लोगों पास से बरामद हुए। 4 कांड जो उद्भेदित हुए हैं इस क्रम में वो है GB नगर थाना कांड संख्या 58/24, GB नगर थाना कांड संख्या 62/24, GB नगर थाना कांड संख्या 71/24 और दरौंदा थाना कांड संख्या 41/24। ये गिरफ्तार चारों अपराधियों में से 2 जो हैं उनका आपराधिक इतिहास रहा है जैसा मैंने बताया लूट एवं डकैती एवं आर्म्स एक्ट का और इस टीम में जो शामिल रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं महाराजगंज जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष GB नगर अखिलेश कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष दरौंदा छोटन कुमार और STF और DIU की टीम जो ज़िले की है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उद्भेदन है कांडों का और उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से अन्य जो सक्रिय सदस्य इस गिरोह के हैं उनकी गिरफ्तारी के पश्चात इस तरह की आपराधिक घटनाओं में विराम है। कहाँ से आने वाले हैं ये लोग? जैसा पृथ्वी कुमार मैंने बताया वो दाऊद नगर जिला सारण का रहने वाला है, रितेश सिंह भीखनपुर भगवानपुर MH नगर जिला सिवान, करण कुमार माझागढ़ गोपालगंज और सुमित कुमार पोखरा महाराजगंज का सिवान अंतर्गत रहने वाला। सर ये जो वाला चार लोग हैं क्या इस तरह का कोई गिरोह चल रहा है इनका जो? ये बिल्कुल ये देखिए ऐसा ही ये गिरोह है जो कि अभी प्रारंभिक जानकारी में ये पता चल रहा है कि इसमें जो ये पृथ्वी कुमार है ये मुख्य संयोजक है इस ग्रुप का और इस तरह के कई नए लड़कों को भी इस पेशे में लाना, इस तरह के अपराध कराना ये इसका कार्य रहा है। और भी इसमें 2 नाम और हैं जो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो उस पर भी पुलिस काम कर रही है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी और भी कांडों के बारे में जो पूर्व में घटित हैं उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी होगी। सर सिराज हत्याकांड में क्या कुछ हुआ? ये जो नगर थाना वाले उसके बारे में अभी इस वक्त हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैं ज़रूर उपलब्ध करा दूँ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।